गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार एमएलए इलेक्शन में जीत हासिल होने पर एमएलए आराम बाबू पाटिल ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर तमाम कांग्रेस पार्टी लीडर्स, वर्कर्स और आवाम का शुक्रिया अदा किया जो वोट और सपोर्ट कर आराम बाबू पाटिल को एमएलए बनाए हैं। गुलबर्गा साउथ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा था। इस बार आराम बाबू पाटिल ने बीजेपी एमएलए अप्पू गौड़ा को 21,000 वोट से हरा कर जीत हासिल की है। आराम बाबू पाटिल ने तमाम सपोर्टर्स और वोटर्स का शुक्रिया अदा कर कहा, गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर वार्ड और इलाके से आवाम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर इन्हें एमएलए बनाया है। तमाम कांग्रेस लीडर्स, कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक जगह जमा कर सबका शुक्रिया अदा किया गया है। इस मौके पर मौजूद तमाम लीडर्स ने आराम बाबू पाटिल को जीत के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा, पिछले 20 सालों से बीजेपी एमएलए सिर्फ अपने पार्टी के वर्कर्स और अपना फायदा कर रहे थे, 20 साल बाद अब आराम बाबू पाटिल के एमएलए बनने पर ऐसा लग रहा है कि साउथ इलाके में काफ़ी कुछ बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है। आराम बाबू पाटिल की जानिब से पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर शुक्रिया अदा करता देख तमाम लोग काफी खुश नजर आए हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। तमाम हमारे गुलबर्गा के वर्कर और लीडर सब मिलके हमारे नए जीते वाले एमएलए आराम बाबू पाटिल को सम्मान किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। यहाँ सब लोग ना खुश है, कार्यकर्ता खुश है, लीडर खुश है। तो आराम बाबू जी अपना क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको अनुभव है। पिछले बार जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और एमएलसी थे, वो सभी उनको मालूम है। मैं चाहता हूँ कि आराम बाबू पाटिल अच्छा काम करके एक अपना क्षेत्र को एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूंसी बना के देंगे, ये मैं कहते हुए। वो अपनी जानिब से आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि पिछले 20 साल से हमारे पास दक्षिण में कोई एमएलए नहीं था। पिछले 20 साल से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर साउथ में बहुत सारे प्रॉब्लम झेल रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए जीत कर आते थे वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता का और बीजेपी के लोगों का काम किया करते थे। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके एरिया में ना डेवलपमेंट हो रहा था ना उनका कोई काम होने जा रहा था। तो इस बार हमारे नेता एआईसीसी के अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये सोचा कि आराम बाबू साहब को अगर यहाँ से फिर एक बार अगर टिकट देकर लेकर आएंगे तो यहाँ के लोग, जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो 20 साल से यहाँ पर एमएलए नहीं है, जो यूनाइटेड होकर तमाम हमारे कांग्रेस के लीडर्स को बोल रहे थे एक सीनियर लीडर को यहाँ पर अगर आप टिकट देंगे तो हम 100% हम यहाँ पर जिता कर लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने तवक्कुल दिया था लोगों को, हमारे लीडरों को, उसी तरह 21,500 ओट से हमारे आराम बाबू साहब को जिता कर लेकर आया। मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हमेशा देखा करते थे आराम बाबू साहब हमेशा लोगों के बीच में रहकर लोगों का काम किया करते हैं। सुबह 6 बजे अगर कोई जाता है, साहब हमारे पास कुछ काम है, बोले आराम बाबू साहब उसके साथ बैठकर डायरेक्ट कोर्ट जो ऑफिसर है उसके ऑफिसर को घरों को जाया करते थे। रात में 12 बजे अगर कोई फोन करता है आराम बाबू साहब को, आराम बाबू साहब हमारा ऐसा काम है, तो रात में 12 बजे उनके घर जाकर उनका काम किया करते थे। मैं आज दक्षिण मत क्षेत्र के कैंडिडेट जो 20 साल के बाद हम जीते हैं, इसका आज जलसा मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को एक बुलाकर उनको सम्मान कराया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जो जीते हुए कैंडिडेट है आराम बाबू साहब उनको भी मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। उसके लिए मैं पूरे साउथ के दक्षिण मतक्षेत्र के सभी वोटर्स और सभी कॉरपोरेटर्स, सभी लीडर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि
हमें 20 साल तक जो तकलीफें हुई वो आज के बाद इस इलेक्शन के बाद कार्यकर्ता को नहीं होंगे ऐसा उम्मीद रखते हुए मैं सबको मुबारकबाद देके और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत बनेगा और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम ये सीट कायम जीते रहेंगे ये बात बोल के मैं राजीव नंबर वार्ड नंबर 33 कॉर्पोरेटर अपनी बात रखता हूँ। इवत्तु बाला संतोष दक्षिण मत क्षेत्र इपत् वर्ष ग्रहण हिड़ू इवत मोक्ष को निम्ल आशीर्वाद मोक्ष सिखद पाप नम नीलकंठ मुलिगे ब्लॉक अध्यक्ष आगे कैंडिडेट तक एस्तल त्रियालू कूड़ा नावे ना मदद मेलू कोने एरने बारी नावे सततवा हल की बंद होराट परवा इवतु तमेल आशीर्वाद तम चुनाव तावे मी नंदेन ऐन सल अल्लाभ बर अल्लाभ बर ईदूर्त नमगेन निरीक्ष मत हाकू निम चुनाव नहीं गेकू ना निवत नम पक्ष मुखंड नम के एसीसी अध्यक्षर नमवर आगेरतक मल्लिकार्जुन खर्गे साहेब एसीसी अध्यक्षर मेले और कालगुड़ीवत कर्नाटक राज्यदली 135 सीट बंद हाउप नंग नम मल्लिकार्जुन खर्गे साहेब कंपनी हेल्प इवत आल इंडिया लेवल खर्गे एसीसी खर्गे साहेब एसीसी अध्यक्षर कर्नाटक राज्यदली वेनपंद्र भविष्य तुटी और कीर्ति इवत हे परवा तम अभिनंदन सल्ते इवतु नम सरकार बरली नम डी के शिवकुमार सन्मान्य सिद्धरामय्यनवर प्रियांका खर्गेजीवर नमेल पक्ष मुखंड बी आर पाटील आगे एम आर पाटील आगे जनप्रकाश पाटील आगे अजय सिंग आगेबूल राज्य अनेक हिरी मुखंड सीरी वक्त ईद ग्यारंटी जन भरोसे को ना नानूंटे के एस आर टी बस स्टैंड ना ना प्रारंभ उद्घाटन हन गंटे नम मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्य बस स्टैंड उद्घाटन ईद ग्यारंटी ऐन घोषणे मूँ ना चुनाव के पूर्व प्रतियो हल मने मन हि कार्डन कूड़ा को अदान भरोसे नम पक्ष मुखंड प्रारंभ में हंस हंत हिड़े घोषणे मेरे कैबिनेट डिसीशन आगे 4,000-60,000 कोटि रूपये वेगू अलग विनती हल कल अली ढोल बाजा भजंद्री हार तुराई बुड़ी नम के नम कर्नाटक राज्य मुख्यमंत्री ब्यान कंपलसरी ब्यान यारू हार तुराई हाकबैड्री साल हाकबैड्री दयमी नहीं पुस्तक को ना पालने हिंदक बर 5,000 हस्ती इवत सवि दल हसी मन हल मारी साल मूल सत्यनाथ आना नमी इन ऐन एलू दयमी कईगोर्सि बदलिए एलू संकल्प मूरी बंद यारू साल हार हाकोद कई हेलो नोड़ यार हाकद प्रमाण मेरे ना निम्ह हाकद बड़ा नहीं नमक हाकद ऐन कई कल यू हार चार तंत्र नम भाला दानी आते नोड़ी हेल्थ दयमी हेल्थ याकंद्रे नम मुख्यमंत्री नम पार्टी अध्यक्ष डिसीशन तक नान बंगलूर हो मंत्री यारू मुटी हो तीन मरिया हम हण्ड नहीं हो रही अंतने तेरे बैठे खाली कई बंद कई कल भाई सतोष आते बंद कई कल ना कन्वर नहीं साल हर ना हमसे गाड़े बंद पक् निर्धार गुत निर्धार नम क्षेत्र राज्य को मेसेज हो यारू साल हर ऐन इश् साल उपयोग ऐने बंदू अप्लिकेशन ऐन कल अर्जी हिडकोबरि इला खाली कई कल्स रही निम्बेन कुल्ले पुस्तक को लाइब्ररी कूदी वही
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಬಗೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾನಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 21,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು